दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है जिसमें मैं सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब करें तथा आप कोई वीडियो खोना नहीं चाहते तो बेल पर क्लिक करें। दोस्तों, मेरा नाम भैरव सिंह। मैं आप लोगों को सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में बता रहा था। आज मैंने मून को चुना है। मून को हिंदी में चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह पृथ्वी का चक्कर करता है। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के एक चौथाई है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 60 घंटे 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। दोस्तों, यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। दोस्तों, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिम्बनिट्स है जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। दोस्तों, चंद्रमा का व्यास 3,476 है। दोस्तों, तथा त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।